ये जेब्रा और ये एंजलफिश टेरोफाइलम कैसे इतने अलग दो प्रजाति में सेम पैटर्न आ गया। सिर्फ ये दोनों ही नहीं, ये लेडीबग और ये चीता, ये सांप और ये डलमेशियन डॉग, ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पर सवाल वही रहता है, कैसे इतने अलग अलग प्रजातियों में एक जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है? क्या है इन पैटर्न्स बनने के पीछे का रहस्य? आइए दोस्तों जानते हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों हम यहाँ पे दो सवाल पूछ सकते हैं, पहला कि ये पैटर्न्स बनते कैसे हैं, और दूसरा क्या है अलग अलग स्पीसीज में सेम पैटर्न्स बनने का रहस्य। पहले सवाल का सबसे सेफ आंसर है जीन्स। अरे भाई जीन्स, ये आंसर गलत नहीं है पर पूरा भी नहीं है, इनकम्प्लीट है। क्यों दोस्तों? वो कहानी जानने से पहले हमें उस कहानी के हीरो के बारे में जानना होगा। एलन ट्यूरिंग, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस बोला जाता है। एलन ट्यूरिंग एक जीनियस मैथमेटिशियन थे। उन्होंने जब अपने चारों ओर अलग अलग स्पीशीज में एक ही तरह के पैटर्न्स देखा, तो एज ए मैथमेटिशियन उनको लगा कि कोई तो एक यूनिवर्सल मैकेनिज्म होगा जिससे ये सभी पैटर्न्स बन रहा है, और उस मैकेनिज्म को डिफाइन करता हुआ एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी होना चाहिए जिसमें कोई वेरिएबल का वैल्यू चेंज करने पे अलग अलग पैटर्न्स मिले। और वो जुट गए वैसे इक्वेशन के तलाश में। हजारों पैटर्न्स को स्टडी करने के बाद आखिरकार उन्होंने एक इक्वेशन बनाया और साल 1952 में पब्लिश किया एक रिसर्च पेपर, द केमिकल बेसिस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। और ये रहा वो इक्वेशन, रिएक्शन डिफ्यूजन इक्वेशन ऑफ ट्यूरिंग। इस इक्वेशन पे वीडियो के आखिर में आऊँगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपको अगर इक्वेशन, वेरिएबल ये सब नहीं पता, तो मान लो कि इक्वेशन एक मशीन है जिसके अंदर अगर आप आटा, पानी, नमक डालोगे तो रोटी बन के बाहर निकलेगा, और अगर मैदा, पानी, नमक डालोगे तो पूरी बनेगा। यहाँ पे आटा, मैदा, पानी और नमक है वेरिएबल्स, और रोटी पूरी है पैटर्न्स। एक ही इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू चेंज करने पे अलग अलग पैटर्न्स बन रहा है, ठीक जैसे रोटी और पूरी। ट्यूरिंग के अनुसार दो तरीके के केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं, एक्टिवेटर और इनहिबिटर, जिनको उन्होंने मॉर्फोजेंस नाम दिया था। एकदम शुरुआत में जीन से बहुत कम मात्रा में एक्टिवेटर और इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और पूरे बॉडी सरफेस यानी त्वचा के ऊपर अपने आप ही बिखर जाते हैं। मॉर्फोजेंस का कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट पे पहुंचने के बाद वो जीन्स और मॉर्फोजेंस नहीं बनाता। इन मॉर्फोजेंस का खास बात यह है कि एक्टिवेटर खुद अपना और इनहिबिटर का नंबर बढ़ाता है, जबकि इनहिबिटर एक्टिवेटर को न्यूट्रलाइज करके उसका नंबर घटाता है। अब जीन से बने एक्टिवेटर और ज़्यादा एक्टिवेटर और इनहिबिटर बनाता है, जो कि पूरे स्किन सर्फेस के ऊपर डिफ्यूजन से फैल जाता है। इनहिबिटर डिफ्यूज करते करते एक्टिवेटर के पास आने पे उसके साथ रिएक्शन करता है और उसको न्यूट्रलाइज मतलब ख़त्म करता है। इसीलिए इनहिबिटर का नंबर जल्दी बढ़ने लगता है और वो एक्टिवेटर के चारों ओर घेरा बना के एक्टिवेटर को एक छोटे से जगह में कब्जा करके रखता है, और ऐसे हमें मिलता है एक स्पॉट। ये स्पॉट पैटर्न्स चीता में दिखाई देता है। तो यहाँ पे दो टर्म उठ के आया, डिफ्यूजन एंड रिएक्शन। एक सेकंड, सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन दबा दो। हाँ, तो यहाँ पे दो टर्म उठ के आया, डिफ्यूजन एंड रिएक्शन, दस रिएक्शन डिफ्यूजन इक्वेशन। डिफ्यूजन का आम मतलब फैलना, ठीक जैसे पानी में इंक फैलता है, रूम में अगरबत्ती का सुगंध फैलता है। और रिएक्शन मतलब रिएक्शन, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कैसे यह कुत्ता भेड़ों को एक घेरे के अंदर ला रहा है। यहाँ पे एक कुत्ता हुआ इनहिबिटर और भेड़ हुए एक्टिवेटर। ध्यान देने की बात यह है कि स्पॉट मिलने के लिए इनहिबिटर का डिफ्यूजन रेट, मतलब कितना जल्दी वो इनहिबिटर बॉडी सरफेस के ऊपर फैलेगा, वो डिफ्यूजन रेट एक्टिवेटर से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि इन फोटोज में देख सकते हो, एकदम शुरू में T=0 पे बॉडी सरफेस होमोजेनियस है, थोड़ी देर बाद T=10 पे एक्टिवेटर रेड में और इनहिबिटर डार्क ब्लू में दिखने लगता है, और थोड़ी देर बाद T=100 पे पूरे बॉडी सरफेस पे इनहिबिटर डिफ्यूज करता है और एक्टिवेटर मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे स्पॉट्स में घेर लेता है। एक्टिवेटर का डिफ्यूजन रेट अगर नॉर्मल लिमिट से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो एक्टिवेटर मॉलिक्यूल्स इनहिबिटर के उस घेरे से बाहर लीक करने लगता है, और स्पॉट के जगह हमें एक्टिवेटर का ऐसे छोटे छोटे लाइन्स मिलते हैं। ऐसे पैटर्न को लैबिरिंथ बोलते हैं। जैसा आपको वादा किया था, आप आते हैं इक्वेशन पे। इक्वेशन में क्यू एक अननोन वेक्टर फंक्शन है जिसको हमें इक्वेशन सॉल्व करके निकलना पड़ेगा। डी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एंट्री है एक्टिवेटर इनहिबिटर मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। आम भाषा में डी मॉर्फोजेंस के डिफ्यूजन रेट का इन्फॉर्मेशन देता है, और आर क्यू का एक वेक्टर फंक्शन है। इस आर फंक्शन को हम अगर क्यू का वैल्यू दें तो मॉर्फोजेंस बॉडी सरफेस के हर एक पॉइंट पे कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा उसका डेटा मिलता है हमें। तो इस इक्वेशन के राइट साइड का पहला टर्म हमें डिफ्यूजन और दूसरा टर्म हमें रिएक्शन का डेटा देता है, और ऐसे बनता है रिएक्शन डिफ्यूजन इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर हम मॉर्फोजेंस का डिफ्यूजन कोएफिशिएंट चेंज करें, मतलब डी का वैल्यू चेंज करते रहें, तो हमें अलग अलग क्यू मिलता है, मतलब अलग अलग पैटर्न एज ए सॉल्यूशन मिलता है। दूसरा, अगर हम बॉडी सरफेस मतलब त्वचा का शेप और एरिया चेंज करें तो भी हमें अलग अलग पैटर्न्स मिलता है।
जैसे चीता के त्वचा का मिडिल में हमें स्पॉट्स मिलता है, जबकि पैर पूछ की तरफ जहाँ पे त्वचा पतली होती है एरिया कम होता है, वहाँ पे स्पॉट की जगह हमें स्ट्राइप्स मिलता है। ट्यूरिंग का ये इक्वेशन इतना फंडामेंटल और यूनिवर्सल है कि नेचर में हर वक्त कहीं ना कहीं ये इक्वेशन उभर के आता है। ये थ्योरी सिर्फ बायोलॉजिकल पैटर्न्स ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग नेचुरल पैटर्न्स को भी एक्सप्लेन करता है। जैसे ये बिस्मथ का केस, रेत के टीले के ऊपर हवा से बना पैटर्न्स, आग के लपटे कब कैसा शेप लेगा, यहाँ तक कि गैलेक्टिक डिस्क के मास का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है ट्यूरिंग के उस इक्वेशन से। दिस इज द पावर ऑफ हिज जीनियस। तो बात ऐसे है कि नेचर में हमें कोई चीज़ कितना भी रैंडम क्यों ना लगे, लगे कि ये चीज़ तो बस ऐसे ही है, हमेशा उसके पीछे उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई साइंटिफिक थ्योरी ज़रूर होगा, भले ही वो थ्योरी अभी तक किसी के दिमाग में आया हो या नहीं। आज अगर एलन ट्यूरिंग ये थ्योरी नहीं देते या हमें नहीं पता होता, तब भी नेचर में एक्टिवेटर इनहिबिटर का गेम चालू रहता, बस हमें पता नहीं होता। आखिर एवरीथिंग इज देयर फॉर ए रीज़न। चलिए जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। एलन ट्यूरिंग के साथ वर्ल्ड वॉर टू का एक बहुत गहरा संपर्क है, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, और अगर किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। धन्यवाद।